शॉप पे जाके घर पे खुद करना है मुझे। ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो आप इस तरीके से आप ओरियो शेक बना सकते हैं अपने घर पे। गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। मुंगी ध्यान में आप सबका स्वागत है। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब एकदम ठीक हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ, कचहरी जाना है मुझे मम्मी के साथ, बिकॉज अल्तमश का हमने वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करा था, तो ना वो आई थिंक उसका जो अप्लाई करा था ना वो उनसे हो गया, ठीक है, क्योंकि ना अगर हमने दो बार अप्लाई कर दिया है, ठीक है, एक बार में हो गया था कैंसिल और दूसरी बार में हो गया, लेकिन जो कचहरी वाले हैं ना उनसे खो गया वो कहीं पर, तो वो कह रहे हैं एक बार आप रिक्वेस्ट डाल दो उसके बाद फिर हो जाएगा, लेकिन बार बार हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं लेकिन कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा, वेट फॉर इट बार बार यही लिखा हुआ आ रहा है। सो ये सब आज जाकर उन्हें प्रॉब्लम दिखाएंगे, बताएंगे और देखते हैं फिर क्या सॉल्यूशन निकलता है क्या नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई। अगर हम तीन बार अगर वोटर आईडी कार्ड का फॉर्म फिल कर देते हैं तो तीसरी बारी में केस हो जाता है कि आपने तीन बार अप्लाई क्यों करा, ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि गलती उन्हीं की है कि जब हमने अप्लाई कर दिया था तो हमारे घर पर आना चाहिए था, लेकिन वो हमारे घर पर नहीं आया, उनसे ऑफिस में कहीं ना कहीं खो गया। सो अब इसका सोल्यूशन तो वही देंगे जाकर, तो मम्मी परेशान हो रही थी इतने दिन से, बार बार चक्कर लगा रही थी, तो आज मैं जाने वाली हूँ मम्मी के साथ। और साकिब भाई ये रहे। हाँ जी साकिब भाई, ट्यूशन नहीं गया अभी तक है भाई? ट्यूशन क्यों नहीं गए मुझे ये बताओ, ट्यूशन क्यों नहीं गए? देखो ये करते हैं, ट्यूशन जाने वाले हो क्या? हाँ, तो साकिब भाई जाने वाले हैं अपनी क्लास के लिए, कंप्यूटर क्लास है उनकी, और हम निकल रहे हैं फटाफट से मम्मी के साथ, ठीक है, वहाँ के लिए। तो फटाफट मैं बुरखा ओढ़ लूँ, रेडी वेडी हो जाऊँ, फिर निकलते हैं, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और साकिब भाई निकल गए हैं अपनी क्लास के लिए और मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ कचहरी, तो चलिए चलते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं कचहरी के लिए और आ गए हम रोड पे। तो फ्रेंड्स, हमारा काम तो यहाँ पर हो गया है, ऑलमोस्ट आधा हो गया, आधा में लैपटॉप पे जाके घर पे खुद करना है मुझे, उन्होंने बता दिया, ठीक है, तो आई होप कि वो हो जाए कंप्लीट, ठीक है, डाउनलोड हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था, दिक्कत चल रही थी। इन्होंने मुझे बता दिया, कहने लगे आप अप्लाई करो, ठीक है, और करने के बाद अगर आपसे हो जाए ठीक है, अगर नहीं हुए तो आप यहाँ पर आ जाना मंडे को, तो अब देखते हैं होगा या नहीं, ठीक है, मैं ट्राई करूँगी घर पे जाके लैपटॉप पे। तो अब सीधा फटाफट से हम निकल रहे हैं घर की ओर और मिलते हैं आपको घर पे, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम घर पे तो आ गए थे दोपहर के टाइम पे और थोड़ा लेट हो गए थे, एक बज गया था, फिर आते खाने वाने में लग गई, फिर मैं चली गई थी पढ़ाने के लिए, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपसे इतनी सी भी बात कर सकूं। तो इस टाइम बज रहे हैं छः बजने वाले, 5 मिनट है आई थिंक, 4-5 मिनट है ना साकिब भाई? साकिब भाई ने हैंड फ्री लगा रखी है तो इस वजह से उन्हें सुनाई नहीं आएगा, तो 6 बजने वाले ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं तो दिखाऊंगी। देखो ये ऐसे करता है ये लड़का, ठीक है, देखा आपने, और मैं ये डालूंगी अपने व्लॉग में, ये तो मैं वीडियो में जरूर डालूंगी। देखो अब देख रहा है ये लड़का, अब देख रहा है, और जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना फौरन नीचे निगाह कर लेता है। चल यहाँ से निकल साकिब भाई, निकलो। देखो फ्रेंड, देखो थप्पड़ दिखा। चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे ही करता रहता है, हमारा हंसी मजाक चलता रहता है। बाय द वे, आप सोचोगे कि दोपहर से 1 बजे से इन्हें 6 बजे तक करा क्या? सो आप देख सकते हो मैंने इतनी मेहनत से सारे कपड़े धो के डाले हैं, देखो जरा सार सब जगह तुम्हें कपड़े कपड़े नजर आएंगे, है मम्मी कपड़े धोए हमने, है ना, कपड़े धोने में सारा टाइम निकल गया और 6 बज गए, ठीक है, शर्ट आप मैन धोए। और हाँ बाय द वे, साकिब लेकर आया है चार्ट पेपर, ठीक है, टीचर्स डे के लिए, तो टीचर्स डे के लिए चार्ट पेपर मैं बनाऊंगी, ठीक है, और मेरा बनाना ये, हाँ हाँ तुम्हारा मैं बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है, स्कूल टाइम में मैंने बहुत ज्यादा चार्ट पेपर डेकोरेशन वगैरह करके मैंने सब कुछ बनाया, ठीक है, और बहुत मतलब बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, तो टीचर्स डे का इसका चार्ट पेपर इसे लेके जाना है, अपने ट्यूशन वाले सर को देगा ये, ठीक है, टीचर्स डे का ये चार्ट पेपर और हैप्पी टीचर्स डे बोलेगा, ठीक है, और मेरी तरफ से भी आप सबको हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है, और बाकी मैं आप जा रही हूँ फटाफट से किचन में, ठीक है, जो भी काम होगा वो करने के लिए, ठीक है, और बाकी फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। देखो ये देखो कैसे गिरा है, पानी दे दो भोलापन। सो फाइनली अम्मी आ चुकी है यहाँ पर, फटाफटी अम्मी ने हमें सलाम कर दो। हाँ ठीक हो मम्मी, बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। अम्मी हमारा काम क्यों नहीं हुआ बता देना जरा, उन्होंने बोला चेक करने के लिए, है नहीं, तो मैं चेक करूंगी, अभी तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, हाँ उससे पहले मैं चेक कर लूंगी, डाउनलोड करके देख लूंगी, अगर हो गया ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मंडे या ट्यूसडे में हम चलेंगे, ठीक है। सो
अभी फिलहाल के लिए मम्मी जाने वाली है मार्केट, जा रही हूँ मार्केट, हाँ तो मम्मी जाने वाली मार्केट, ठीक है, और इतनी देर में चलती हूँ फटाफट किचन में, अपना जो भी है वो चले आती हूँ। हाँ व्यूज देखो ज़रा, साहब के भाई कह रहे हैं मेरी वीडियो पे व्यूज कम क्यों आ रहे हैं, मतलब हर कोई मुझसे ये पूछ रहा है तुम्हारी वीडियो पे व्यूज कम क्यों आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्यों नहीं आ रहे बताओ तो सही, मुझसे क्या गलती हो गई ऐसी जो आप मेरी वीडियो वॉच नहीं कर रहे। कौन सी, क्या चैलेंज वाला व्लॉग? अच्छा। चैलेंज वाली और भी मैंने वीडियो डाली थी उस पर, सीरियसली मतलब मुझे डीमोटिवेट मत करो, मोटिवेट करो ठीक है, और हाँ वीडियो को फुल वॉच करा करो। शट अप, मैं अच्छी बना रही हूँ अपनी तरफ से, मैं 100 में से 100 प्लस 10% कोशिश कर रही हूँ, सो हाँ 100 प्लस 10 यानी कि 100 प्लस 10 में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ ठीक है, आप लोगों को डेली व्लॉग देने के लिए ठीक है। बाई चांस किसी दिन व्लॉग नहीं बन पाता तो मैं ये चैलेंज वगैरह की वीडियोज बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बट मैं करती तो हूँ ना, ये तो नहीं है कि मैं एक वीडियो डाल के और छोड़ दूँ महीनों तक और वीडियो डालूँ, है ना, आप लोगों के लिए मैं लाती रहती हूँ, तो इसी तरीके से आप भी मेरा ध्यान रखिए ठीक है। नमाज पढ़ो, पहले वुजू कर दे। अम्मी नमाज पढ़ने जा रही हैं, तो अम्मी से देखो पूछ रहे हैं अम्मी कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। हाँ तो मैं भी जा रही हूँ बस नमाज पढ़ने के लिए ठीक है। फ्रेंड्स मैं भी अभी नमाज पढ़ूंगी, बाय द वे मैं आपसे बात कर रही थी, क्या बात कर रही, शट अप साकी, मुझे डिस्टर्ब मत करती, मुझे कंफ्यूज कर रहा है, बोलने नहीं दे रहा बिल्कुल भी आपसे, मुझे बात नहीं करने दे रहा, सो मैं तो आपसे करके रहूंगी, ये ऐसे करता रहेगा वरना, सो इस टाइम पे फटाफट से शट अप। देखो फ्रेंड्स कहता है मुझे मेरी बात सुनवानी, सो हाँ मैं क्या कहती हूँ आपसे कि अब मैं फटाफट से आप, हाँ व्यूज़ नहीं आ पा रहे थे मेरे चैनल पे, तो फ्रेंड्स क्यों नहीं आ रहे, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए ठीक है। सो फ्रेंड्स मैं अपनी तरफ से 100 प्लस 10% कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए डेली व्लॉग करने के लिए, सो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, फिर आपको देखने के लिए मिलती है, सो प्लीज़ आप उसे फुल वॉच कीजिए और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ठीक है, और हाँ अपनी दुआ में भी हमें याद रखिएगा। बाय द वे ये व्लॉग अभी कंटिन्यू चलेगा ठीक है रात तक, ऐसा ऐसी बात नहीं कि मैं यहीं एंड करती हूँ, तो फटाफट से अब मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, वरना नमाज का टाइम निकल जाएगा, तो फटाफट से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और मिलती हूँ आपको सारा काम फिनिश करने के बाद। फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो शेक, और ओरियो शेक की रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी हम ओरियो शेक बनाने वाले हैं ठीक है, तो चलिए ओरियो शेक बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने ओरियो शेक बनाने के लिए दूध ले लिया है ठीक है, दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये मैंने मदर डेरी का लिया है ठीक है, और ओरियो बिस्किट चाहिए हमें ठीक है, और ये हमें चॉकलेट सीरम चाहिए ठीक है, चॉकलेट सीरम तो आप ये ले लिएगा ठीक है, हमारे पास बॉटल जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी क्योंकि हमने वो कोल्ड कॉफ़ी में डाल डालकर ख़त्म कर दी, इसलिए हमारे पास वो ख़त्म हो गई थी, और अभी हम राशन लेने भी नहीं गए, इस वजह से मैंने ये पाउच मंगवाया अभी अभी साकिब भाई से, तो हम इसे यूज़ करेंगे ठीक है। तो अब बनाते हैं अपना ओरियो शेक, तो सबसे पहले हम डालेंगे दूध ठीक है, उसके बाद डालेंगे ओरियो, और फिर उसके बाद डालेंगे चॉकलेट, दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूध डाल दिया है ठीक है एक मिक्सर जार में, और बिस्किट भी मैंने तोड़ तोड़ के डाल दिए हैं, और ये भी मैंने तोड़ा कर आपको ऐसे दो टुकड़े करके, दो तीन टुकड़े करके ऐसे डाल देने हैं ठीक है बिस्किट को, और उसके बाद मैंने ये चॉकलेट सीरम है ठीक है, इसको भी मैंने ऊपर से कट कर लिया है देख सकते हैं आप, और अब मैं इसको भी डाल रही हूँ इसमें, देख सकते हैं आप ये हमारा चॉकलेट सीरम गया। सो फ्रेंड्स अब हमने इसके अंदर लिक्विड चॉकलेट भी डाल दिया, अब इसको फटाफट से हम शेक कर लेंगे ठीक है, और रिजल्ट दिखाते हैं आपको। ये हमने स्टार्ट कर दी, फाइनली फ्रेंड्स हमारा टेस्टी सा यमी सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ओरियो शेक रेडी है, आप भी इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं इजी एंड सिंपल स्टेप्स में ठीक है, ऐसे बस बना लें और फिर इसको कप में निकाल लें और फिर डेकोरेट कर लें ठीक है लिक्विड चॉकलेट से, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा माशाल्लाह से, सो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। फाइनली फ्रेंड्स हमारा जो ओरियो शेक है वो हो चुका है रेडी, और मैंने ये कप में कर लिया है, और ये जो हमारी ओरियो लिक्विड चॉकलेट है इससे हम थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे अपने ओरियो शेक के ऊपर ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी हम निकाल के ऐसे ऐसे यू नो ऐसे कर देंगे ठीक है बस, सो देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रहा है हमारा, कितना अच्छा लग रहा है हमारा ओरियो शेक देखने में भी और पीने में भी, ये बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सो आप इस तरीके से आप ओरियो शेक बना सकते हैं अपने घर पे, ज़रूर ट्राई करिएगा, और मैं देने जा रही हूँ आप सैम भाई को ये ठीक है, तो चलिए चलते हैं।
सो फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी साकिब से मंगाया है फालूदा, बिकॉज ओरियो शेक तो भाई को पीना था। भाई ने मुझे कॉल करके बोल दिया था कि मेरे लिए ओरियो शेक बना दो, तो मैंने ओरियो शेक बनाया सैम भाई के लिए, और अपने लिए मंगवाया था मैंने फालूदा। तो मेरा फालूदा भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्टी था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली फालूदा। तो मैंने अपने और मम्मी के लिए मंगवाया, तो मैं और मम्मी फालूदा इन्जॉय करेंगे। और ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको आ रहा है, तो नीचे गणेश जी की मूर्ति लगी है, ठीक है, क्योंकि वो चल रहे हैं ना, क्या क्या होते हैं, मतलब जब गणेश जी को आप रखते हो क्या बोलते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो हमारे एरिया में भी वही चीज़ लगी हुई है और बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुई हुई है, तो वहीं पर ये सब हो रहा है, दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर गणेश जी। ये हमारे सोसाइटी के बाहर ही लगा हुआ है, ये है कुछ डेकोरेशन उसकी, और ये रहे गणेश जी। अब मैं निकाल लेती हूँ फटाफट अपना फालूदा, ठीक है, कप्स में। उन्होंने देखिए कप्स भी दिए हैं, ये कप्स आया है, स्पून आया है इसके साथ, तो इसमें निकालते हैं और फिर खाते हैं, मम्मी को भी खिलाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारे जो कप्स हैं वो रेडी हैं, उसके अंदर मैंने निकाल लिया है फालूदा जो मंगवाया था, एक मम्मी का और एक मेरा, दिखाती हूँ आपको, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं कप्स, है ना फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कितने अच्छा हमारा फालूदा है, और ये मैंने कप्स में कर लिया है, इतना खूबसूरत लग रहे हैं ये कप्स, देख सकते हैं आप, ये देखिए, और ये रहा हमारा फालूदा। अब लेके चलते हैं फटाफट फालूदे को मम्मी के पास, ठीक है, मम्मी को खिलाते हैं और खाते हैं हम भी, ठीक है, और बस। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा काम वाम हो चुका है शाम का, और खाने में आज बनाए डिनर में छोले, छोले बहुत टेस्टी बना रखे हैं मम्मी ने, देख सकते हैं आप। सो अब मैं जा रही हूँ फटाफट डिनर करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद मिलती हूँ फिर मैं आपसे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारे डिनर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, और अब फटाफट से रात भी हो गई है, और इस व्लॉग को एंड भी करना है, ठीक है। सो आज के व्लॉग को मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आई होप कि आपको पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर हम तो सब्सक्राइब करना, और भर भर के अपना प्यार दिखाओ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और बस फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, और फटाफट से अपना प्यार दिखाओ, शेयर करो वीडियो को, भर भर के शेयर करो, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।